अदाबी आईपीटीवी, सच आपके सामने। दोस्तों अगर आप टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस सीरीज का आखिरी मैच कटक में खेला गया। पिछले दो मैचों में टॉस हारने वाले कोहली आज इस फाइनल मैच में टॉस जीते और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वही टॉस हारकर पहले बैटिंग करने आई वेस्टइंडीज की टीम पर फाइनल का दबाव साफ देखा जा सकता था। पहले ही गेंद से ताबड़तोड़ शुरुआत करने वाले कैरिबियाई बल्लेबाज आज टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने संभल कर खेल रहे थे और एक सदी हुई शुरुआत की। दोस्तों आपको बता दें, 14 ओवर तक वेस्टइंडीज ने एक भी विकेट नहीं गंवाई थी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कैरिबियाई बल्लेबाजों पर दबदबा बनाए रखा और एक समय लग रहा था वेस्टइंडीज 250 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन निकोलस पुरन 64 गेंद में 84 रन और पोलार्ड के 51 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी के बदौलत वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 315 रन बना लिए। दोस्तों टीम इंडिया की ओर से नवदीप सैनी ने 2 विकेट लिए, जबकि शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और जडेजा ने एक एक विकेट लिए। तो वहीं दोस्तों 315 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आए टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा ने पहले ओवर में एक भी रन नहीं लिया और पहला ओवर शेल्डन कॉटरेल ने मेडन डाल दिया, तो लगा टीम इंडिया कहीं दबाव में तो नहीं है और इधर वेस्टइंडीज का खेमा काफी खुश नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं, हिटमैन को ज्यादा देर तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज रोक कर नहीं रख सकता, और हुआ भी ऐसा ही। पहले ओवर में एक भी रन न बनाने वाले हिटमैन ने अपना दूसरा ओवर लेकर आए कॉटरेल की धज्जियां उड़ा दी और 11 रन ठोक कर लाइन लेंथ बिगाड़ दी। उसके बाद तो वेस्टइंडीज के गेंदबाज दबाव में आ गए और विकेट के लिए तरसते रहे और ये दोनों ओपनर बड़ी आसानी से 122 रनों की साझेदारी कर डाली। हालांकि हिटमैन अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं ले जा पाए और 63 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित के आउट होने के बाद रन मशीन बैटिंग करने आए और पारी को राहुल के साथ आगे बढ़ाया और जब टीम का स्कोर 167 रन पहुंचा, तभी टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा, जबकि एल राहुल 70 रन बनाकर आउट हो गए। और दोस्तों ये झटका से टीम उबर ही नहीं पाई थी कि तभी पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले श्रेयस अय्यर हिमो पाल की बाउंसर को संभाल नहीं पाए और कैच दे बैठे और मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में टीम इंडिया दबाव में आ गई थी। तब मैदान पर पंत बैटिंग करने आए तो दर्शकों में भी उत्साह नजर आया, लेकिन पंत ने भी टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया। किमो पाल की गेंद नहीं पाए और बोल्ड हो गए। ऋषभ पंत भी सिर्फ 7 रन बनाए। अब दोस्तों इधर रन रेट बढ़ती ही जा रही थी, गेंदें कम बची थी और रन ज्यादा था और विराट कोहली अकेले एक छोर पर खड़े थे। दोस्तों जैसे ही विराट कोहली रन गति को आगे लेकर जाते, वैसे ही टीम का एक खिलाड़ी उनका साथ छोड़कर चले जा रहा था। ऋषभ पंत के बाद बैटिंग करने आए केदार जाधव भी टीम को धोखा देकर चले गए। केदार जाधव भी मात्र 9 रन बनाकर बोल्ड हो गए, तो पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अभी भी टीम इंडिया को 87 रन चाहिए थे जीत के लिए और आर्थिक रेट 8 के ऊपर चला गया था। लेकिन टीम और जनता की उम्मीदें नहीं बुझी थी, क्योंकि रन मशीन अभी मैदान पर मौजूद थे और 51 गेंदों में 50 रन बनाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के मनसूबे पर पानी फेरते जा रहे थे। वहीं जडेजा भी रन मशीन का बखूबी साथ दे रहे थे और कोहली 85 रन बना लिए थे, लेकिन तभी टीम की जड़ कोहली भी किमो पाल की गेंद पर बोल्ड हो गए, तो पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और अभी भी भारत को 23 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और विकेट बचे थे मात्र 4, तो लगा टीम इंडिया की हार तय है इधर। तो वहीं विराट के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने आते ही चौका जड़ दिया, तो स्टेडियम में थोड़ा हलचल तो हुआ, लेकिन हर डॉट गेंद पर स्टेडियम फिर शांत हो जाता था। लेकिन तभी 47वें ओवर में बड़ा चमत्कार हुआ, जब गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने कॉटरेल को जमकर धोया। अर्दुल ने एक चौका और एक छक्का जड़कर 15 रन बटोर लिए और वेस्टइंडीज को इस मैच से बाहर कर दिया। शार्दुल ने तबाही मचाते हुए मात्र 6 गेंदों में 17 रन ठोककर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। तो वहीं जडेजा ने भी 31 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों आपको शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।